सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। प्रहलाद जोशी ने देश भर के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने की दी सलाह, कहा बच्चे इसे समाज के प्रति बनेंगे जिम्मेदार। पीएम मोदी और किशिदा के बीच बैठक में चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने की जमीन हुई तैयार। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कश्मीर जैसे मुद्दों पर राजनीति सही नहीं। जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान तैयार, राजदूत ने रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करने की कही बात। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले में एसआईटी जांच की मांग, सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल राष्ट्रपति को लिखा पत्र। कश्मीर के गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, सीमा पार आतंकवाद की सख्ती से कमर तोड़ने का दिया निर्देश। ई विधान से नागालैंड विधानसभा बनी पेपरलेस, देश का पहला राज्य। भारत जल्द ही घृणा और आक्रोश में टॉप पर पहुंच सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर, बोले राहुल गांधी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस और सेना के एनएससीएन के आ शिविर का किया भंडाफोड़, हथियार व गोला बारूद के बरामद। भारत के 10 प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारियों के स्पीकर ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया सम्मानित। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर भारत अटी, नसीहत देने वालों से कहा तेल की खरीद पर ना हो राजनीति। बिहार में फिर जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, 1 की आंखों की रोशनी गई, 2 महिला व 1 दिव्यांग गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान पर भड़के कार्यकर्ता, बोले पहले हार के लिए जिम्मेदार नेताओं पर कोई कार्रवाई। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विवादास्पद बयान, गोली कारतूस नहीं रहेंगे तो फिर पुलिस और कोर्ट नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ, यूपी में 3.0 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। रालोद के विधायक दल की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद का इस्तीफा, जयंत चौधरी पर लगे गंभीर आरोप। यूपी के 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत बनेंगे मेडिकल कॉलेज, 2 जिलों में निजी संस्था को मिली मंजूरी। प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह, मिशन 2024 के लिहाजों से तय हो रही जिम्मेदारी। गोरखपुर में बोले योगी आदित्यनाथ, दुनिया से खत्म होने तक चलता रहेगा
में घरेलू कलह के चलते चेट ने किया जानलेवा हमला। फावड़ा और कुल्हाड़ी से किया हमला, युवती गंभीर रूप से घायल। अमेठी में रेस्टोरेंट की छत पर मिला सफाई कर्मी का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। अररिया में दबंगों की दबंगई आई सामने, दबंगों ने लाइसेंसी असलहे से किया हमला। बहराइच में तालाब में मिला लापता युवक का शव, इंसाफ की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। एटा में युवक के साथ पुलिस ने की मारपीट, युवक ने लगाया पुलिस पर आरोप। गाजीपुर में घर बुलाकर दोस्त की पीट पीट कर हत्या पुलिस ने, दो लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। कन्नौज में बेटे ने की पिता की हत्या, जमीन को लेकर हुआ था विवाद। कन्नौज में कमिश्नर का सफल कार्यकाल, सरकारी अस्पताल की सुविधाएं होनी चाहिए दुरुस्त। संबल में कैला देवी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही फायरिंग, दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, कई लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, पति ने डॉक्टर पर लगाया आरोप, अस्पताल पहुंचकर किया जमकर हंगामा। गाजीपुर में चुनाव कार्यकाल का हुआ उद्घाटन, विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी। कन्नौज में दबंगों ने किया युवक पर जानलेवा हमला, युवक के चिल्लाने पर हमलावर मौके से फरार। गरीब महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, आटा मसाला चक्की लगाकर बन सकेंगी स्वावलंबी। कन्नौज में बेटे ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, संपत्ति के विवाद में हुई थी हत्या। लखीमपुर खीरी में अवैध वसूली से परेशान टैक्सी चालक, खुद पर तेल छिड़क कर लगाई आग। संभल में अनियंत्रित बस ने मारा टक्कर बाइक सवार, दो युवक की मौत, पुलिस ने किया बस चालक को गिरफ्तार। में पोलियो अभियान दिवस शुरू, प्राथमिक विद्यालय में पिलाई गई पोलियो। संभल में दो पक्षों में हुआ विवाद, विवाद के दौरान निकाले गए लाठी डंडे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का हुआ आगाज, सीएम खट्टर ने किया उद्घाटन। बहराइच में हत्या के बाद शव को लेकर सड़क पर बैठे परिजन, सदर विधायिका के घर मिलने पहुंचे मृतक के परिजन। फतेहपुर में कुएं के अंदर से युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस। गाजीपुर वृद्ध ने गंगा नदी के पुल से लगाई छलांग। सरिया पकड़कर वृद्ध ने बचाई जान। पारिवारिक कलह के चलते लगाई थी गंगा में छलांग। गोरखपुर में तिवारीपुर थाने में गोली लगने से दरोगा की मौत। हरेंद्र प्रताप सिंह ने गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कन्नौज में जमीनी विवाद आया सामने। बेटे ने खुरपी से हमला कर बाप को उतारा मौत के घाट। कन्नौज में झगड़ा कर रहे नशेड़ियों ने अधेड़ की पत्थर मारकर की हत्या। नशेड़ियों को अभद्र टिप्पणी करने से मना कर रहा था मृतक। देहात से प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। नशेबाजी के दौरान युवक की लाठी डंडे से पीट कर हुई थी हत्या। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। मंदिर पर सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से की हत्या। गांव के पास खेतों के पास बना था मंदिर। सीतापुर में बड़ा हादसे में कार बनी आग का गोला। वैन में गैस भरते समय हुआ हादसा। सीतापुर से रेउसा के बहराइच मार्ग का मामला। मसूरी में भारी संख्या में उमड़े पर्यटक। लाइब्रेरी बाजार और मॉल रोड पर घंटों लगा रहा जाम। परेशान होकर लौटे पर्यटक। उत्तराखंड में सीएम का नाम तय नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर देहरादून में उठने लगी नई मांग। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से झटका देगी बिजली। 4.5% वृद्धि का दिया प्रस्ताव। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं पीएम मोदी और शाह। तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड में दिल्ली में अमित शाह और निशंक की आवास पर हुई बैठक। पुष्कर धामी बोले सोमवार को देहरादून में होगा फैसला। केदारनाथ पैदल मार्ग से 31 मार्च तक हटा दी जाएगी बर्फ। 6 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। उत्तराखंड में होली मनाने के बाद सरकार बनाने के लिए विधायक देहरादून हुए रवाना। चढ़ा नशे में धुत युवक। नौकरी देने की मांग पर अड़ा। 3 घंटे बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। सहायक वार्डन ने की थी शिकायत। उत्तराखंड में प्रदेश में 1 अप्रैल से 20 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का झटका। 31 मार्च को जारी होगा नया टैरिफ। उत्तराखंड रोडवेज ने पर्वतीय इलाकों में बसें चलाने के लिए 99 परमिट लेकिन संचालन से झाड़ा पल्ला। श्रीलंका में पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं। स्कूली परीक्षा रद्द। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट में देश। अगले सप्ताह ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। विपक्ष ने दी शिखर सम्मेलन को बाधित करने की धमकी।
पाकिस्तान के सियालकोट सैन्य अड्डे पर कई विस्फोट, दूर तक सुनाई दी जबरदस्त धमाके की आवाज। मेघन मार्कल के को स्टार का खुलासा, मेघन मार्कल ने साइमन रेक्स के साथ कट्स में साथ किया है काम। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले सेना की शरण में इमरान खान, 14 संतुष्ट सांसदों को जारी किया नोटिस। महिलाएं भी बन सकेंगी वेटिक के विभागों के प्रमुख पद संभालने की नवी वर्षगांठ पर पोप फ्रांसिस ने उठाया अभूतपूर्व कदम। मदद करने पर परिणाम के लिए तैयार रहे जिनफिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति को चेतावनी। यूक्रेनी झंडे से मिलते रंग वाले सूट में आईएस पहुंचे रूसी अंतरिक्ष यात्री, ऐसे सूट ने लोगों को चौंकाया। जेलेंस्की ने पुतिन को दी सख्त चेतावनी, कहा रूस को कई पीढ़ियों तक चुकानी पड़ेगी युद्ध की कीमत। यूक्रेन का दावा, डोनबास में मार गिराए 13,800 रूसी सैनिक, 430 टैंक किए तबाह। अमेरिका से इस साल ज्यादा तेज आयात करेगा भारत, 11% की होगी वृद्धि। क्रिप्टो करेंसी में लगाया पूरा पैसा डूब जाएगा, इन नियामकों ने दी चेतावनी और गिनाए खतरे। विश्व को गेहूं निर्यात के लिए भारत कर रहा निर्णायक बातचीत, चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों के भी संपर्क में है सरकार। अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री गिरी, 75 लाख से ऊपर के मकान की डिमांड ज्यादा। व्हाट्सएप बिजनेस यूजर के लिए खुशखबरी, ऑर्डर्स को मैनेज करना होगा आसान। ओप्पो K10 के फीचर्स लीक, 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा, 500 mAh में मिलेगी बैटरी, 23 मार्च को होगा लॉन्च। CBDT के चेयरमैन बोले IT डिपार्टमेंट में सुधार और इकोनॉमी से मजबूती से हुआ रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। चीन को हुआ बड़ा नुकसान, चीनी सामान के बहिष्कार से बढ़ा स्वदेशी कारोबार। में 1.522 अरब डॉलर का इजाफा, विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। एप्पल से इस शख्स ने ठगे करीब 76 करोड़ रुपए, धोखाधड़ी का केस दर्ज। दिग्गज क्रिकेटरों ने दी महान गेंदबाज वॉर्न को अंतिम विदाई। IPL 2022 KKR के कप्तान अय्यर ने बताया किस क्रम में करना चाहते हैं बल्लेबाजी। एशिया कप 2022 के आयोजन पर हुआ फैसला, अगस्त सितंबर के बीच होगा टूर्नामेंट।
मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से किया सम्मानित। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैचों के वेन्यू में बदलाव, रावलपिंडी की जगह लाहौर में खेले जाएंगे मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिताली राज की दमदार पारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम। आईपीएल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं एडम गिलक्रिस्ट, सचिन व गेल भी लिस्ट में शामिल। भारत के दामाद बने ग्लेन मैक्सवेल, भारतीय गर्लफ्रेंड विनी रमन से होली के दिन रचाई शादी, 2017 से कर रहे थे डेट। महाराष्ट्र में कोरोना के नए खतरे की चेतावनी, फैंस की एंट्री के बिना खेले जा सकते हैं आईपीएल मैच। मुंबई इंडियंस के स्पिन गेंदबाजी सबसे कमजोर, केकेआर और राजस्थान को बड़ी बढ़त। अमिताभ बच्चन के 79 की उम्र में गुलाबी रंगाए बाल, नई फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ रवाना। आरआरआर स्टारर राम चरण और जेआर एनटीआर ने की बाहुबली फेम एसएस राजमौली की शिकायत, बाहुबली निर्देशक ने दी सफाई। हाथ में गन लिए तारा सुतारिया ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, हॉट ड्रेस में एक्ट्रेस को देख फैंस दे रहे हैं रिएक्शन। सुधांशु चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव ने शुरू किया फिल्म खो गए हम कहां की शूटिंग की शुरुआत। भारती सिंह जल्द बनने वाली है मां, बेबी बम के साथ कराया फोटोशूट, तस्वीरें हुई वायरल। नाना पाटेकर के बाद अब आदिल हुसैन ने द कश्मीर फाइल को कोसा, सच बोलिए लेकिन उसमें नम्रता भी रखी। राजमौली की आरआरआर को मिली यूएस सर्टिफिकेट, 25 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। स्कूलों में सुपरस्टार की स्टोरी, कर्नाटक स्कूलों में पढ़ाई जाएगी पुनीत राजकुमार की कहानी। विक्की कौशल, कैटरीना कैफ ने फैमिली के साथ डिनर डेट का उठाया लुफ्त। कपूर सिस्टर ने मालदीव्स में बीच पर बच्चों के साथ बिकिनी में दिया पोज, करीना कपूर ने शेयर की खास पिक्स। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।